रानी पारी हम विराम परियों इन दोनों को गिरफ्तार कर लीजिए और रानी महल ले जाइए इन दोनों से पूछताछ हम बाद में करेंगे फिलहाल हमारा भयानक लोग जाना बहुत जरूरी है रानी परी भयंकर परी ने तो सुरक्षा कवच चढ़ाया हुआ है और कहीं ऐसा ना हो कि हम यहाँ पर सुरक्षा कवच तोड़ दें और वहां पर भयंकर परी उन स्मारकों को नुकसान पहुंचा दे लेकिन हमें भयंकर परी को ऊर्जा हासिल करने से रोकने की कोशिश तो करनी ही होगी ठीक तो हो ना बालवीर आप ठीक तो हैं हाँ रानी परी ये सुरक्षा कवच बहुत ही शक्तिशाली है इसे भेदना आसान नहीं होगा हाँ बालवीर और हमें तो ये भी नहीं पता कि भयंकर परी ने सुनहरा त्रिकोण बनाना शुरू किया भी है या नहीं हमारे पास कितना समय है वो किस दिशा में है इन सब जानकारियों के बिना हम कैसे रोकेंगे भयंकर परी को हाँ ये सब तो हम भटकती परी की दूरबीन से देखकर जान सकते हैं भटकती परी अपनी दूरबीन दीजिए अब समय आ गया है सुनहरा त्रिकोण बनाने का रानी परी भयंकर परी ने सुनहरा त्रिकोण बनाना शुरू कर दिया है अब क्या होगा रानी परी भयंकर परी को रोकना तो दूर हम उससे मुकाबला करने के लिए उसके पास भयानक लोक में भी नहीं जा पा रहे और बिना वहां गए हम भयंकर परी को रोक नहीं पाएंगे तो हम क्या करें रानी परी यहां खड़े खड़े अपनी हार तो नहीं मान सकते ना हम बुराई को जीतने तो नहीं दे सकते ना रानी परी कोई तो उपाय होगा ना भयानक लोक के अंदर जाने का नहीं इस कवच को भेदा नहीं जा सकता एक उपाय है मेरे पास अब मैं भयंकर परी के हथियार को उसी के खिलाफ इस्तेमाल करूंगा मैं इस सुरक्षा कवच को भेदे बिना भयानक लोक में जाऊंगा वाह 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 गुलाब जामुन एक तो खाना ही पड़ेगा कुतुब मीनार को गायब हुए इतना समय हो गया है पर वो कहाँ है और कब वापस आएगा इसका हमारी सरकार के पास कोई जवाब नहीं पर उससे भी बड़ा सवाल ये है कि आखिर क्यों पूरे विश्व में से कोई भारत के ही ऐतिहासिक स्मारक चुराना चाहता है कौन है जो भारत के ऐतिहासिक परंपराओं को चोट पहुँचाना चाहता है लो हमें पता भी नहीं लगा और एक और गायब कर दिया लगता है ये लोगों ने देख लिया है
मुझे गुलाब जामुन खाते हुए। अब क्या होगा? पिटाई होगी, बहुत पिटाई होगी, बस एक बार हाथ लग जाए। ये गुलाब जामुन खाया उसमें पिटाई, ये तो बहुत बुरी बात है। बल्कि पिटाई क्यों, मैं तो बोलता हूँ जेल में डालो, जेल में। जेल में? ये भगवान, भगवान सजा देगा उसे। अरे चोरी करना कितना बड़ा पाप है। चोरी? अरे अपने ही घर में अपने ही फ्रिज से गुलाब जामुन खाना ये चोरी है क्या? ये कोई बात हुई? चोरी छुपे तीन तीन गायब कर दिए। अरे मैंने तो एक ही गायब किया है, मतलब कि एक ही गुलाब जामुन खाया, ये तो झूठ बोल रहा है। भैंस बेटा तीन नहीं एक, झूठ क्यों बोल रहा है तू? मैं झूठ क्यों बोलूंगा बाबूजी, मैं तो वही बोल रहा हूँ जो मैंने देखा है, टीवी पे देखा है। टीवी पर? टीवी पर क्या दिखा रहे? टीवी पे ही नहीं, कल अखबार में भी आएगा और फोटो के साथ आएगा। इतनी सी बात, उसको अखबार में और टीवी पे दिखाने की क्या जरूरत है? छोटी सी बात बाबूजी, आपको ये छोटी सी बात लग रही है? अरे इस बात को लेकर पूरा देश परेशान है, मेरे हाथ आएगा ना तो मैं तो उसको। रुक जा बेटा, तू रुक जा, क्या कर रहा है तू? किया नहीं है बाबूजी, अभी तो करूंगा। मैंने सिर्फ एक गुलाब जामुन खाया है फ्रिज में से, उसके लिए तुम मुझे जेल में भेजना चाहते हो क्या? गुलाब जामुन? अरे नहीं बापूजी, हम लोग गुलाब जामुन की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग ऐतिहासिक स्मारक की बात कर रहे हैं। कुतुब मीनार गायब हो गया है। क्या? हाँ, फ्रिज में से गुलाब जामुन गायब हो गए। जिसने भी ये किया है ना एकदम मैड है। मैड नहीं, बैड। हाँ वही, सेम टू सेम, बैड ही किया है ना, उसे तो ना एकदम सजा मिलनी चाहिए। सजा? हाँ। किसे? बाबूजी को? अब्बा बाबा बा, नहीं नहीं, जिसने ये ऐतिहासिक स्मारक गायब किया है ना उसे। सच, मैं सजा के ही लायक हूँ। खाना हो, तू कहाँ जा रहा है? क्योंकि उसे बुरा लग रहा है। लो, मानव तो ऐसे बुरा मान रहा है जैसे उसकी वजह से सारे स्मारक गायब हुए। हाँ रॉकी चाचू, मानव के वजह से ही तीनों के तीनों स्मारक गायब हो गए हैं। क्या? क्या? लेकिन ये कैसे हो सकता है? ए बेटा, तू भी क्या बच्चों की बातों में आपके नासमझी की बातें कर रहा है। हाँ, ये काम तो तेरे बापू जी का है। हाँ, हाँ? भगवान, मानव की रक्षा करना और बालवीर की मदद, ताकि वो जल्द से जल्द मानव के ऊपर से बुरा जादू पूरी तरह से हटा पाए। मानव, तू उदास क्यों है? तूने जानबूझकर तो नहीं किया ना? पर महर, सब कुछ तो मेरी वजह से ही हुआ है ना, तूने देखा नहीं सारे घर वाले मुझसे कितना गुस्सा थे? मानव, वो तुझसे गुस्सा नहीं थे, अगर उन्हें सच पता चल जाता तो वो भी समझते, है ना? इसलिए तू टेंशन मत ले और स्माइल कर, ओके? बालवीर सब कुछ ठीक कर देगा। लो, बालवीर का नाम लिया और वो आ गया। बालवीर, तुमने मेरे ऊपर से जादू हटाने का कोई रास्ता निकाला? नहीं, लेकिन मैं जल्दी ही ढूंढ लूंगा, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। बालवीर, मुझे यहाँ पर तुम्हारी मदद चाहिए और तुम आकर मुझसे मदद मांग रहे हो? बालवीर, तुम प्लीज जल्दी से कुछ करो, वरना ऐसे मेरे बोलने से और बहुत सारी चीजें गायब हो सकती है। मानो, चीजें गायब हो सकती है लेकिन वापस भी तो आ सकती है। मतलब? जैसे तुम्हारे बोलने से वो तीनों स्मारक गायब हो गए, वैसे तुम्हारे ही बोलने से वो वापस भी तो आ सकते हैं। अरे हाँ, मेरे बोलने से मोंटू फुटबॉल से फिर से ठीक हो गया था। अरे तो फिर सोच क्या रहा है, बुला ले वापस ऐतिहासिक स्मारकों को। महर, तुझे क्या लगता है कि ये सब इतना आसान है? माना, आसान तो नहीं है लेकिन हमें कोशिश तो करनी ही होगी। वो स्मारक अपनी जगह पर वापस आए या नहीं वो देखने का मैं इंतजाम कर देता हूँ।
अब बोल, बोल मानव। बोलता हूँ। ताजमहल, जल महल और कुतुब मीनार जा कहीं भी है, वो वहां से अपनी अपनी जगह पर वापस आ जाए। देखा, कुछ नहीं हुआ ना? मानव, एक और बार कोशिश करो, हो सकता है तुम्हारा जादू पूरी तरह ना चल रहा हो। ताजमहल, जल महल और कुतुब मीनार जहाँ कहीं भी हो, वो वहां से अपनी जगह पर वापस आ जाए। भेदना नामुमकिन है, मगर लगता है उस नाराज ताराज को पता चल गया है कि मैंने उन्हें फिर से धोखा दिया है, इसीलिए वो इन्हें यहाँ से ले जाने की कोशिश कर रही है। तो करेंगे अब क्या? आप रोकेंगे कैसे उन्हें? रोकूंगी नहीं, रोक दिया है बेवकूफ। इन स्मारकों को यहाँ से कोई नहीं ले जा सकता। इस बार मैंने अपनी हार के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। इस बार सिर्फ जीत ही मेरा हर मोड पर स्वागत करेगी। बोल बच्चन, कहीं की ये ऐतिहासिक स्मारक अब एक इंच भी नहीं हिलेंगे और सुनहरा त्रिकोण जरूर बनेगा। जल महल और कुतुब मीनार जहाँ कहीं भी हो, वहां से अपने जगह पर वापस आ जाए। बस बस, अब इतना ही काफी है, और बोलने का कोई फायदा नहीं है। अब क्या होगा? मेरी ये कोशिश भी नाकामयाब हो गई, और कैसे रोकूं भयंकर परी को वो शक्तिशाली ऊर्जा हासिल करने से? देख लिया, ताजमहल, जल महल, कुतुब मीनार सब वापस नहीं आ रहे। मेरे बोलने से ना सब कुछ उल्टा ही होता है, इसीलिए मैं बालवीर से कह रहा हूँ कि वो मेरे ऊपर से सारा जादू हटा दे। मानव, तू चिंता मत कर, तूने तो मुझसे कहा था ना कि मोंटू भी ठीक हो गया है, और फिर घर वालों के मुंह से भी लड्डू निकलना बंद हो गए थे ना? हाँ, पर शायद वो इसलिए क्योंकि वो सब मेरे सामने थे, लेकिन ये ऐतिहासिक स्मारक पता नहीं कहाँ चले गए, जहाँ मेरा जादू चल रहा ही नहीं है, और इसीलिए वो वापस नहीं आ रहे हैं। मैं खाली उन्हें भेज सकता हूँ, लेकिन वापस नहीं ला सकता। मानव, हो सकता है तुम्हारा जादू उस जगह पर ना चल रहा हो, और इसीलिए तुम उन ऐतिहासिक स्मारकों को वापस नहीं ला सकते, लेकिन तुम अभी भी उन स्मारकों को वापस लाने में मेरी मदद कर सकते हो। वो कैसे? महर, मानव ने जिस जगह पर उन स्मारकों को भेजा है, उसी जगह पर वो मुझे भी भेज देगा। क्या? लेकिन बालवीर, वो जगह तो बहुत खतरनाक होगी ना? मानव, महर,
मैं अपने देश की आन बान और शान के लिए उन ऐतिहासिक स्मारकों को वापस लेकर आऊंगा, और चाहे उसके लिए मुझे कोई भी खतरा उठाना पड़े। रानी परी, क्या हुआ है? भयंकर परी कुछ ही पलों में सर्वशक्तिशाली ऊर्जा प्राप्त कर लेगी। परियों, बस कुछ ही पलों में सच्चाई की हार निश्चित हो जाएगी, और अब हम में से कोई भी ऐसा होने से रोक नहीं सकता। बालवीर, तुम्हारे कहने पे मैंने उन ऐतिहासिक स्मारकों को वापस लाने की कोशिश की, लेकिन वो वापस नहीं आए ना, तो फिर मेरे कहने से तुम उस जगह पर कैसे पहुंच जाओगे? मैं पहुंच जाऊंगा मानव, मुझे पूरा विश्वास है। हाँ मानव, तू कोशिश तो कर, क्योंकि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। मान लो कि बालवीर वहां चला भी गया, लेकिन अगर मेरी वजह से बालवीर को वहां पर कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मैं हम बच्चों की बीबी को खोना नहीं चाहता। नहीं मानो, तुम्हारा बालवीर तब खोएगा जब वो अपना वादा पूरा नहीं कर पाएगा, अपने देश की सुरक्षा नहीं कर पाएगा, उसका सम्मान नहीं बचा पाएगा। और क्या मानो, तुम चाहते हो कि तुम्हारा बालवीर सही सलामत हो, लेकिन उसका सर शम से झुका हुआ हो? नहीं तो मानो, तुम्हें भी मुझे वहां भेजना होगा, क्योंकि अगर इस बार वो बुरी शक्ति जीत गई तो वो कभी भी किसी भी बच्चे को खुश नहीं रहने देगी, और आज के बाद कोई भी बच्चा सच्चाई और अच्छाई के मार्ग पर नहीं चल पाएगा। ऐसे कैसे तंग करेगी बच्चों को वो बुरी शक्ति? हमारा बीबी भी है ना, वो वहां जाएगा और उस बुरी शक्ति को अच्छा मजा चखाएगा। बालवीर भयानक लोक पहुंच चुका है। परियों, सावधान भयंकर परी, तुम यहाँ कैसे आए? बुराई को उसके बुरे कर्मों की सजा देने के लिए बालवीर कहीं पर भी पहुंच सकता है। अगली तुबा तुबा भागने तुबा तुबा भाग कहाँ चुपो? तुम्हें क्या लगा खेल खेलना सिर्फ तुम्हें ही आता है? जिस रास्ते से तुम हमारी देश की धरोहर इन स्मारकों को यहाँ लेकर आई हो, उसी रास्ते से मैं इन्हें वापस ले जाने आया। तुम यहाँ आ तो गए हो बालवीर, मगर कुछ नहीं कर पाओगे। इस शक्तिशाली त्रिकोण की ऊर्जा मुझे प्राप्त होने ही वाली है, और इसे प्राप्त करते मैं सबसे पहले तुम्हें समाप्त करूंगी। युद्ध होने से पहले अपने विजय का जश्न मत मनाओ भयंकर परी, वरना हार का मुंह देखने के बाद तुम खुद का मुंह किसी को दिखाने के लायक नहीं रहोगे। मुंह तो तुम अपना किसी को नहीं दिखा पाओगे जब यहाँ से हार के जाओगे। ऐसा कभी नहीं होगा भयंकर परी, मैं अभी तुम्हारे बड़ बोलेपन पर विराम लगाता हूँ। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.